कर्नाटक इलेक्शन ओपिनियन पोल, जानिए कर्नाटक की जनता के मन की बात। ओपिनियन पोल में किस पार्टी को दी कितनी सीटें। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राज्य में 10 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में हर कोई ये सवाल कर रहा है कि क्या भाजपा इस राज्य में सत्ता बरकरार रखने में सफल होगी। स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी लहर रुझान को देखते हुए चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक के सहारे भाजपा की भगवा नैया पार लगने की संभावनाएं सताई जा रही है। यह संभावनाएं कितनी सही हैं और कर्नाटक की आम जनता क्या सोच रही है, ये जानने के लिए ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल में 56,000 लोगों की राय के सहारे सही तस्वीर जानने की कोशिश की गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 विधानसभा सीट में से बहुमत के लिए 113 का आंकड़ा चाहिए। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता पर काबिज होगी, या जेडीएस किंग मेकर की भूमिका निभाएगी, या अन्य कोई पार्टी यहां पर अपना जादू बिखेरने में कामयाब होगी। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं धारवाड़ जिले की। 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों के साथ 7 में से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 7 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीटें मिल रही है। वहीं जेडीएस के खाते में यहाँ पर एक भी सीट आने की संभावनाएं नहीं जताई जा रही है। अन्य पार्टी यहाँ पर एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। हावेरी की, जी हाँ दोस्तों हावेरी में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 विधानसभा सीट के साथ 6 में से 2 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीट यानी कि 6 में से आधी सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस की, जेडीएस को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट के साथ यानी कि 6 में से 1 सीट मिल सकती है। तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बीजापुर की। बीजापुर में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी। जी हाँ दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 8 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों के साथ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 में से मात्र 3 सीटें आने की संभावनाएं बनी हुई है। तो वहीं जेडीएस यानी कि जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर को यहाँ पर मात्र 0 सीट मिल रही है, यानी कि कुमार स्वामी को यहाँ पर मात्र 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुलबर्ग की। गुलबर्ग में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर 9 में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों के साथ 9 में से 3 सीटें मिल सकती है। तो ही बात की जाए कांग्रेस पार्टी को, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 9 में से 4 विधानसभा सीट के साथ सबसे ज्यादा सीट जीत सकती है कांग्रेस पार्टी गुलबर्ग में। तो वहीं जेडीएस के खाते में यहाँ पर मात्र 2 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। गुलबर्ग के बाद बात कर लेते हैं बेलारी की। बेलारी में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 9 विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 9 में से 4 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 9 में से 5 विधानसभा सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है। जेडीएस के खाते में यहाँ पर मात्र 0 सीट। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। बेलारी के बाद बात कर लेते हैं उडुपी की। उडुपी की 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा सताई जा रही है। उडुपी की 5 में से मात्र 1 सीट पर सिमट सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। और जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। उत्तर कन्नड़ की। उत्तर कन्नड़ में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र में से यहाँ पर आधी विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का कब्जा हो सकता है।
यानी कह सकते हैं यहाँ पर आधी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो ही आधी सीटों पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा हो सकता है। जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टियों के 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं रामनगरम की। रामनगरम में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 4 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी को, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो वहीं जेडीएस के खाता में 0, अन्य पार्टियों का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। कोपल की। कोपल में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, कोपल में 5 विधानसभा क्षेत्र में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यानी कि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है। वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी को, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों के साथ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जेडीएस के खाते में 0, अन्य पार्टियों का 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कोपल के बाद बात की जाए चकमंगलूर की। चकमंगलूर में 5 विधानसभा सीट आती है, 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 सीटें। वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और जेडीएस के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। रायचूर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा मिल सकता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं, यानी कि आधी आधी सीटें कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर बढ़त बना सकती है और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी का 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। सामराजनगर की। सामराजनगर में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों का 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हसना की। हसना में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र में से यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं और जेडीएस के खाते में 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा, अन्य पार्टियों का 0-0 सीट पर ही रहना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बीदरी की। बीदरी की 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यानी कि बीदरी जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है, 6 में से यहाँ पर 3 पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं। यानी कि आधी आधी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का खत्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट का जाने की संभावना जताई जा रही है। कोलहार की। जी हाँ दोस्तों, बीदरी के बाद कोलहार जिला आता है। कोलहार में भी 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा मिल सकता है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा क्षेत्र और जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट पर संभावना जताई जा रही है। मंडिया की। जी हाँ दोस्तों, मंडिया में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, मंडिया में 7 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। वहीं जेडीएस के खाते में 6 विधानसभा क्षेत्र जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जेडीएस को 6 विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं, वहीं अन्य पार्टियों को 0-0 सीट पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा। बेलगाम की 18 विधानसभा सीट है, 18 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 10 विधानसभा क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बेलगाम में सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 10 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा मिल सकता है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 7 विधानसभा क्षेत्रों पर अपनी कमाल संभालती हुई दिखाई दे रही है। जेडीएस को यहाँ पर मात्र 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं शिवमोगा की। शिवमोगा में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का 3 विधानसभा क्षेत्र और जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। गदग की। गदग की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बागलकोट की। जी हाँ दोस्तों, बागलकोट में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 7 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के 3 विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं और जेडीएस के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है।
और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। तुमकुर की जी दोस्तों, तुमकुर की 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तुमकुर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 5 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा जमा सकती है, यानी कि 5 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल कर सकती है। जेडीएस को यहाँ पर मात्र एक सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दक्षिणी कन्नड़ की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को आधी सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्रों पर ही जीत हासिल हो सकती है। तो वही जेडीएस के खाते में 2 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। यादगीर की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यादगीर में 4 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर 4 में से 1 सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। जेडीएस के खाते में यानी कि जेडीएस को मात्र 1 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा और अन्य पार्टियों के ऊपर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात लेते हैं बेंगलोर ग्रामीण की। बेंगलोर ग्रामीण में 28 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 28 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 15 विधानसभा सीटों के साथ अच्छी खासी लीड मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 11 विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं और जेडीएस के खाते में 2 विधानसभा क्षेत्र और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 5 विधानसभा सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मैसूर की, मैसूर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 11 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 5 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी का 3 विधानसभा क्षेत्र और जेडीएस को भी यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं। अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मैसूर के बाद बात कर लेते हैं दावणगेर की। दावणगेर में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 6 विधानसभा सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। कोडू की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी का 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बेंगलोर अर्बन की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। चिकबलपुर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 1 पर बीजेपी, बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर जेडीएस यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीट में से सभी 224 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता के लिए आपके समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 118 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और 82 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है कांग्रेस पार्टी और 23 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर बन सकती है जेडीएस और अन्य पार्टियों का 1 सीट जाने की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई है।